वक्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं उनके साथ में, और ये हरी झंडी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नागपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को। एक नया इतिहास रचा जा रहा है और ये प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये देखा जा सकता है किस तरह से ये इतिहास रचा गया है, और एक के बाद एक, जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह से एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन रेलवे की यात्री सुविधाओं में, गति में, सुरक्षा में, संरक्षा में, उसमें वंदे भारत एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है। और छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये नागपुर से बिलासपुर को जोड़ेगी, महज 5 घंटे 20 मिनट में पहुंचाएगी, तमाम सुविधाओं से लैस है ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए, उनके साथ में तमाम गणमान्य नेता जो हैं वो मौजूद हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी वहां मौजूद हैं। ये ट्रेन अब अपने गंतव्य के लिए चल पड़ी है, प्रधानमंत्री ने इसको हरी झंडी दिखाई है। तो एक और इतिहास रचा गया है इस वक्त नागपुर में, हाथ हिलाकर यात्रियों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री, जो यात्री हैं वो भी बेहद उत्साहित हैं इस पहली बार इस ट्रेन में सफर करके, यात्रा करके। तो वंदे भारत, छठी वंदे भारत की सौगात देश को मिली है, नागपुर से बिलासपुर जाएगी वाया रायपुर, और महज 5 घंटे 20 मिनट में ये यात्रा तय होगी, जो 7 घंटे 8 घंटे की पहले यात्रा होती थी वो इस शानदार सुविधाजनक ट्रेन में महज 5 घंटे 20 मिनट में तय हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यात्री बैठे हैं वो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण क्षण है ये, इस लिहाज से भी कि भारतीय रेलवे में जो आमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत की बात कही गई थी वो अब उसका मूर्त रूप में वो दिखाई पड़ने लगी है।